हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे वाली सारी क्लासे मतलब कि जो भी मैंने पढ़ाई है, मेरे अंदाज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है आपको। ठीक है, और जितना भी पढ़ाया है उसमें से आपकी यूनिट जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और आज वाला जो टॉपिक रहेगा इससे आपकी यूनिट जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि आप जो मैं आज पढ़ाऊंगा और इसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चंस का वीडियो और डालूंगा जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, आपको नाम पता ही चल गया होगा क्या पढ़ने वाले हैं, अवस्थी अपव्यय सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के एक वीडियो में आपको और प्रोवाइड करवाऊंगा जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं वही क्वेश्चन केवल। ठीक है ना, तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन मतलब कि अवयष्टि अपवर्जन का सिद्धांत। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपको ये समझना कि अवयष्टि अपवर्जन सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है हमको। ठीक है, फिर बाद में समझेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन सबसे पहले इसको हम समझते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी एक बार एग्जाम में आई हुई है, बताता हूँ कब आई हुई है। इसकी डेफिनेशन जो है वो 2009 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई हुई है, इसके अलावा अजमेर 2009 में आई हुई है और अलवर 2011 में आई हुई है। ठीक है, जो ये डेफिनेशन जो है मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ, ये डेफिनेशन जो है वो भी आई हुई है एग्जाम में बहुत पहले आई हुई है। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको इसमें दो थ्योरम करवाने वाला हूँ और वो दोनों की दोनों थ्योरम्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे मान के चलो उसको 100% आएगी, ऐसे मान के चलो, क्योंकि आपको वो दो थ्योरम आनी ही चाहिए। अगर वो दो थ्योरम आपको अच्छे से आएगी तो आप उस पर बेस्ट क्वेश्चन आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अवयष्टि अपवर्जन सिद्धांत होता क्या है। देखो अवयष्टि अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है, देखो आप एक बार इसको भूल जाइए, आप एक चीज समझिए आप। ठीक है, जैसे आपके पास में ए और बी दो सेट है, मैं बोलूं आपको कि आपके पास में ए और बी है वो दो सेट है, और मैं आपको बोल दूं कि ये दोनों के दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट है। क्या है? डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सेट से दोनों के दोनों कौन सेट है? डिसजॉइंट सेट है, दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट है। अगर ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट है इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो कितना आएगा आपके पास में? 5। डिसजॉइंट का मतलब असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त मतलब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन वो क्या रहेगा? 5 रहेगा, रिक्त समुच्चय रहेगा। आया इतना समझ में? ठीक है, अगर ए और बी जो है वो असंयुक्त समुच्चय है तब मैं आपको बोलूं कि ए यूनियन बी जो होगा, ए और बी का जो यूनियन होगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? अगर मैं आपको ये पूछना चाहूं तो आप आराम से बता सकते हो, इजीली बता सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ये आराम से बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है, ये असंयुक्त समुच्चय है, और असंयुक्त समुच्चय इसका मतलब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें भी सारे के सारे एलिमेंट अलग है और इसमें भी सारे के सारे एलिमेंट अलग है, और दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट को साथ में लिखना होगा। इसलिए अगर अगर हम ए यूनियन बी करते हैं और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं तो सिंपल सी बात है, हम आराम से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास में आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो देखो जब आपके पास में सेट डिसजॉइंट दिए हुए हो तब आप आराम से ये लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, वो डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, यानी असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, यानी डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, असंयुक्त नहीं है, यानी कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन जरूर है, इसमें और इसमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन जरूर है, चाहे वो एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होंगे जो इसमें भी होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? इसलिए अगर हम यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यदि हम निकालना चाहे तो हम डायरेक्ट अगर ऐसे बोलते हैं ए में एलिमेंट प्लस बी में एलिमेंट तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट है जो कि दो बार आ चुका है, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, हमने जो कॉमन एलिमेंट है उसको इसमें तो गिना ही गिना है, साथ में इसमें भी गिन लिया,
इसलिए इसमें से कुछ ना कुछ हमें घटाना पड़ेगा, और वो क्या घटाना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी हमको घटाना पड़ेगा, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट था उसको एक बार घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम कुछ ना कुछ घटाते हैं तो ये एक नया नियम बन जाता है। क्या बन जाता है, एक नया नियम बन जाता है। और ये जो नया नियम आपके पास में बना है इसी को हम बोलते हैं आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। क्या बोलते हैं, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत बोलते हैं। आई बात समझ में, बस फर्क केवल इतना है यहां पर मैंने एन लगाया है नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए, और जो ये आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत होगा इसमें हम कार्डिनलिटी का साइन लगाते हैं। कार्डिनलिटी पता है आपको क्या होती है, कार्डिनलिटी है वो सेम वही चीज है जो नंबर ऑफ एलिमेंट होती है, वही चीज है सेम टू सेम। ठीक है, अगर मैं यहां पर ए यूनियन बी के दोनों तरफ ये साइन लगा दूंगा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर मैं ए के यहां पे लगा दिया प्लस बी के यहां पे लगा दिया माइनस ए इंटरसेक्शन बी के यहां पे लगा दिया, तो ये कार्डिनलिटी वाला हो गया। ठीक है, तो ये जो होता नहीं है ये आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब यही है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होता है ये, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी दोनों एक ही बात है, तो हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अगर एक मैट्रिक्स के आप दोनों तरफ, मैट्रिक्स के दोनों तरफ यदि आप ये साइन लगा देते हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट बन जाता है, सारणिक बन जाता है। ठीक है, यदि आप एक कोई एलजेब्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है उसके दोनों तरफ ये साइन लगा देती हो, ये साइन लगा देती हो, तो उसको हम मोड बोल सकते हैं, जिसको आप हिंदी में मापांक बोलते हो। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम एक समुच्चय जो होता है, एक सेट जो होता है, उसके दोनों तरफ ये साइन लगा देते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जिसको आप सिंपल भाषा में यदि बोलना चाहो तो बोल सकती हो कि अवयवों की संख्या उसमें कितनी है, वही आपको डायरेक्ट बतानी है। आप सिंपल एकदम से समझना चाहो तो इसे समझ सकती हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना कि अगर दो समुच्चय यदि आपको असंयुक्त दे रखे हैं, असंयुक्त दे रखे हैं, तब हम डायरेक्ट उन दोनों में योग नियम लगा के, योग नियम लगाकर हम डायरेक्ट उसमें अवयवों की संख्या, यानी ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या हम बता सकते हैं। परंतु यदि हमें ए और बी जो है वो डिसजॉइंट नहीं देकर, ठीक है, असंयुक्त नहीं देकर इनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन दे देगा, कोई ना कोई एलिमेंट उभयनिष्ठ दे देगा, ठीक है, यानी कि उसका इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा, तब हम डायरेक्ट योग नियम के द्वारा हम ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम कुछ भी जोड़े या घटाए, कुछ भी इसमें चेंज करें, चेंज करने के बाद में जिस भी नियम की उत्पत्ति होती है इसी को बोलते हैं आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, आपको नीचे डेफिनेशन जो है वो दिख रही होगी साफ साफ, तो आराम से पढ़ लीजिए क्या डेफिनेशन है, और आपको मैं आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है, अगर असंयुक्त नहीं है तब हमको कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, और इसी को हम बोलते हैं आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, अब हम दो थ्योरम से दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोनों समझ लेते हैं। अब देखो हमारे पास में एक थ्योरम है जो कि देखो क्या बोल रहा है, एकदम सिंपल सी थ्योरम है। देखो क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन ए यूनियन बी का, बी की जो कार्डिनलिटी वो बराबर आएगी ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। ठीक है, आपको इसको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। वैसे आपने 11th क्लास में और 12th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, आराम से देखा होगा आपने, लेकिन आज इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा ये। सबसे पहले इसका हम वेन डायग्राम पढ़ते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम समझ लिया ना तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा एंड तक। ठीक है, तो देखो वेन डायग्राम समझो सबसे पहले। देखो वेन डायग्राम जो है ना वो क्या बोल रहा है, वेन डायग्राम है क्या बोल रहा है, सुनो इसकी भी, चलो सुनते हैं ये क्या बोलते हैं। ये आपके पास में ए और बी दी हुई है, ये ए आ गया और ये आ गया बी, और ये आ गया आपके पास में यूनिवर्सल सेट यू आ गया। ठीक है, आपको ए और बी दो सेट दे दिए। अब देखो ये ए और बी जो बना, ठीक है, ये इतना इतना पार्ट कितने भागों में बटा हुआ, तीन भागों में, एक दो और तीन, ये तीन भागों में ये पार्ट बचा बना सॉरी बटा हुआ है ये सॉरी ठीक है ये तीन भागों में पार्ट बटा हुआ है। अब देखो तीन भागों को हम क्या लिख सकते हैं, अगर समुच्चय रूप में हम इसको लिखना चाहे, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देखो। आप देखो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको पता है। ठीक है, अब हमें देखना है एक तो ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इतना इतना जो पार्ट है,
इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो ये देखना है और एक हमको देखना है कि ये जो वाला पार्ट है, ये इतना इतना वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे। देखो ये जो वाला पार्ट है इसमें ए है और बी नहीं है, ए है बी नहीं है, पहले डायरेक्ट लिखने का तरीका बताता हूं। इसमें ए है बी नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, डायरेक्ट लिख दिया इसको, ये तो हो गया। बी नहीं है तो इसका मतलब मैंने बी पर डैश लगा दिया, ए है तो ए ऐसा कैसा ले लिया, ठीक है। अब देखो समझा के बताता हूं कैसे हुआ है ये, क्या ए और बी डैश में कॉमन है, ठीक है। तो बी डैश मतलब क्या हुआ, बी जो है ना, बी इसको छोड़कर बी के बाहर वाला जितना भी पोर्शन जो होगा ना, जितना भी पोर्शन वो होगा बी बी डैश सॉरी बी डैश, ठीक है। तो बाहर वाला पोर्शन बी के ये बी डैश आएगा और ए क्या हो जाएगा, ए ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अब देखो आप सोचो बी डैश और इस ए में क्या कॉमन आएगा, इतना इतना पार्ट तो आएगा ना, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट जो किस में नहीं है, बी डैश में नहीं है, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो वो ए में नहीं है। इसका मतलब आपके पास में क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा आपके पास में, समझ गए होगे आसानी से एकदम से। तो ये वाला पार्ट जो आएगा इसे हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसी प्रकार से ये जो वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा आपके पास में, देखो इसमें ए नहीं है, इसका मतलब ए के ऊपर लगा दो डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है, समझा के बताना है। तो देखो ए डैश का मतलब ए के बाहर वाला पार्ट पूरा का पूरा, यानी ए को छोड़ दो, इसके अलावा जितना भी पार्ट बच जाता है वो, और बी का मतलब ये बी पूरा का पूरा, ठीक है। इसका मतलब ए डैश और बी में कॉमन क्या आएगा, यानी कि इसके अलावा ये पूरा का पूरा और एक इसमें कॉमन क्या आएगा, ये इधर वाला पार्ट ही आएगा, क्योंकि ये जो वाला पार्ट है वो किस में नहीं है, ए डैश में नहीं है, ए डैश में नहीं है ना, ए डैश के बाहर वाला पार्ट है तो लेना है ना हमको, तो ये ए डैश में नहीं है, ठीक है, और ये बाहर वाला जो पार्ट है वो किस में नहीं है, वो बी में नहीं है, इसलिए कॉमन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों में इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम, तो ये आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस तरह से आपके पास में ये तीन भागों में आपके पास में डिवाइड हो गया, ओके। तो यहां से देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहां से हम इसको क्या लिखेंगे वो आप अच्छे से समझ लेना। देखो जो जैसा मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूं वैसा ही अगला जो क्वेश्चन या अभी जो थ्योरम बोल सकते हो आप, अगली थ्योरम होगी सेम टू सेम वैसा का वैसा मैं अगली थ्योरम में करूंगा, तो आप अच्छे से समझ लेना। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन, देन में क्या लिख सकता हूं इसको। अब देखो यहां से अगर मैं आपको ये पूछूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप यहां से ए यूनियन बी यानी ए और बी को जोड़ना है आपको, तो आप आराम से बता सकते हो कि एक तो ये इधर वाला पार्ट, एक ये इधर वाला पार्ट और एक ये इधर वाला बीच वाला पार्ट, यदि इन तीनों को हम जोड़ देंगे ना तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी बन जाएगा। सब सब समझ में आ रहा है। यदि मैं इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट का यूनियन कर देता हूं तो आपके पास में ए यूनियन बी आ जाएगा, अगर हम तीनों को जोड़ देंगे। तो यहां से मैं डायरेक्ट सिंपली बता सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, यदि मैं तीनों का यूनियन कर दूंगा तो क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा, आ गया आपके पास में। अब देखो यहां पर ये जो तीन पार्ट जो है ना, ठीक है, ये तीन पार्ट मैंने यही क्यों बनाए, यही क्यों बनाए तीन पार्ट, क्योंकि हमको हमेशा डिसजॉइंट पेयर जो है वो बनाना होता है, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी और ये वाला पार्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये तीनों के तीनों पार्ट जो है वो डिसजॉइंट है। देखो इसमें इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब तीनों के तीनों डिसजॉइंट हमने लिए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना यहां पर वेयर आप बता भी सकते हो, वेयर ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट, ठीक है, आर डिसजॉइंट, ये सारे के सारे क्या है, डिसजॉइंट, ये तीनों के तीनों परस्पर क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां से ना ये जो हमने लिखा है इसके ऊपर हम जो सम रूल होता है वो लगा सकते हैं, ठीक है, तो बाई नौ नौ बाई सम रूल, बाई सम रूल से हम क्या बोलेंगे कि ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी आएगी वो बराबर आएगी
इंटरसेक्शन बी डैश की कार्डिनलिटी। और देखो सब रूल क्या होता है, जो भी आपके पास में सेट है उसके तो हम कार्डिनलिटी लगा देते हैं, और जहां पर यूनियन होता है वहां पर हम प्लस का साइन लगा देते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास में, ये प्लस यहां पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी, फिर प्लस फिर आएगा आपके पास में ए डैश इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। आगे यहां से हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर एक, इसको हम यहां से बोल सकते हैं। आई बात समझ में, सिंपल से एकदम से। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को देखो हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगेन अगेन हम क्या बोल सकते हैं, अगेन हम क्या, देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं अगेन, बोर्ड छोटा थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगेन हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो होगा वो बराबर होगा आपके पास में, देखो ए केवल ए को मैं लिखना चाहूं तो केवल ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ये ए जो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये प्लस ये लिख सकता हूं, यानी कि ये यूनियन ये लिख सकता हूं ना, क्योंकि ए में देखो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, पूरा पूरा ए है ना, इसका मतलब ये यूनियन ये किसको बोलेंगे हम, ए को बोलेंगे। यानी यहां से हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, और यूनियन आएगा आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा आपके पास में, सिंपल एकदम से। अब यहां से हम क्या करेंगे, यदि इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये इसमें भी सम रूल लगा दो और इसमें भी सम रूल लगाएंगे तो ए की कार्डिनलिटी बराबर आएगी आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी डैश की कार्डिनलिटी प्लस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी, ये आ गया समीकरण नंबर दो, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, इसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि बी इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यानी कि बी इक्वल टू होगा इसके प्लस इसके, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। और इसलिए हम यहां पर इसके ऊपर भी सम रूल लगाएंगे तो बी की कार्डिनलिटी बराबर किसके आएगी, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी प्लस यूनियन की जगह प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी, ये आ गया आपके पास में समीकरण नंबर तीन, ठीक है। हमको जो लेके आना वो आ जाएगा आराम से, टेंशन मतलब उसकी। अब यहां से देखो दो और तीन को यदि मैं जोड़ देता हूं, ठीक है, दो और तीन को मैं जोड़ देता हूं तब देखो हमारे पास में क्या बनता है, तो यहां से हम देख सकते हैं बाई इक्वेशन टू एंड थ्री, तो टू एंड थ्री से हम क्या बोल सकते हैं ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी बराबर क्या आएगा, देखो ए की कार्डिनलिटी का मतलब इसको जोड़ दो पूरे पे, यानी कि ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश प्लस ये आएगा आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और प्लस यहां से आ जाएगा आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी, यहां से आ जाएगा आपके पास में ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा आपके पास में, सिंपल से एकदम से। अब देखो ध्यान से देखना है, तो समीकरण एक है, समीकरण एक जो है यहां से देखो ये जो वाला पार्ट है इतना इतना, ठीक है, क्या है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी और ये आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब इन तीनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी लिख सकता हूं ना, यानी कि इन तीनों का योग जो होगा इसकी जगह पर मैं ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी लिख सकता हूं इन तीनों के योग की जगह पर, तो बाई बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या बोल सकता हूं कि ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी बराबर क्या आ जाएगा, इसकी इसकी और इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा ये ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी और प्लस ये आ जाएगा आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा आपके पास में, आई बात समझ में। तो यहां से हमको देखो ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी निकालनी है, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी निकालनी है, तो यहां से इसका पक्षांतरण कर देंगे इस तरह, तो आपके पास में क्या बन जाएगा कि एक ए पहले लिख देता हूं ए यूनियन बी इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी और इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी और ये आपको लेकर आना था, ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ।
आशा करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया ना आपको, इसका मतलब सेकंड वाला आप खुद कर सकते हो। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ए और बी मैंने दो समूचे लिए हैं, दो सेंट लिए हैं। ये ए और बी जो आपने लिया है, ठीक है, इसको हम देखो, अगर हम इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये इधर वाला पार्ट, एक बीच वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। और मैं तीनों को क्या बोल सकते हैं, समुच्चय के फॉर्म में मैंने वो लिख लिया है। मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं इनको, वो मैंने लिख लिया है। ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन, सॉरी ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी और ये आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी। हो गए तीनों के तीनों। इन तीनों को मैंने ए यूनियन बी अगर मैं लिखना चाहूंगा तो इन तीनों को तीनों का यूनियन कर देंगे हम। आई बात समझ में? तो ये तीनों का यूनियन कर दिया हमने, ठीक है। अगर इस पर सम रूल लगाते हैं, अगर इस पर सम रूल लगाते हैं तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी बराबर इसकी कार्डिनलिटी प्लस इसकी कार्डिनलिटी प्लस इसकी कार्डिनलिटी। हो गया, ठीक है। अब एक तो इक्वेशन ये बन गई। अब हमको क्या चाहिए, देखो इसमें हमारे ए का मापांक, सॉरी मापांक नहीं कार्डिनलिटी, ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी इसमें आ रहा है। इसका मतलब आप ए की कार्डिनलिटी निकाल लो और बी की कार्डिनलिटी निकाल लो, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक तो ए की कार्डिनलिटी निकालने के लिए ए को हम लिख सकते हैं ये यूनियन ये, तो यहां से मैंने लिख दिया ये यूनियन ये। और यदि सम रूल लगाएंगे तो ए की कार्डिनलिटी बराबर इसकी कार्डिनलिटी प्लस इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने बी को लिख लिया। अब आपको चाहिए ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी, तो मैंने ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी को जोड़ दिया यहां पर, ठीक है। जोड़ेंगे तो आपके पास में ये बनेगा। अब इसमें हम इक्वेशन वन का यूज कर लेंगे, क्योंकि देखो इसमें फॉर्मूले में क्या है, ए यूनियन बी भी है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। तो इसकी जगह पर हम ए यूनियन बी यहां पर पुट कर देंगे। जैसे यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपका जो प्रूफ है वो आ जाएगा, आपको जो लेकर आना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये पूरा आराम से सोल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसके अगले थ्योरम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए आपको। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चंस, यानी ये थ्योरम जो है आपकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मान लो 100% एग्जाम में आएगी, ऐसे मान के चलो आप, तो ठीक है, नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगी, ठीक है। इस पर बेस्ट कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, उसमें जरूर 100% मिल जाएगा। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और ये थ्योरम, ये जो आपकी थ्योरम है, इसको याद रखना कि ये फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे पता है आपको, वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम से आप इसको पूरा एकदम से इजी कर सकती हो। देखो क्या होता है वेन डायग्राम इसका, आपके पास में यहाँ पर तीन सेट है, ठीक है। तो तीन सेट है, तीन सेट का वेन डायग्राम देखो क्या होगा, एक मिनट में यहां पर बना देता हूं गोले, ये एक गोला, ये दो गोला और ये तीसरा गोला आ गया, ठीक है। यानी कि ये बन गया आपका वेन डायग्राम। यहां पर ये ए है, ये बी है और ये आपके पास में क्या आ गया, सी आ गया। समझ में आ रहा है पूरा डायग्राम, ठीक है। अब देखो ये ए बी सी जो है ना, इसमें ये डिसजॉइंट नहीं है, ए बी सी डिसजॉइंट नहीं है, तब हम ये फॉर्मूला, ये जो थ्योरम है वो, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं जब ए बी सी डिसजॉइंट नहीं हो, तब हम ये लगाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो हमको इसको पूरे को डिसजॉइंट जो पेयर है उसमें चेंज करना पड़ेगा। डिसजॉइंट आप सेट बोल सकते हो, उस डिसजॉइंट सेट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो डिसजॉइंट जो पेयर बोल सकते हो, डिसजॉइंट सेट बोल सकते हो, कौन कौन सा है, एक तो देखो कितने पार्ट हो गए वो देख लो आप, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, फिर चार, पांच और छह और एक बीच में सात, यानी कि टोटल सात पार्ट हो गए इसमें। तो आप सबसे पहले सातों पार्टों के नाम लिखिए, जो सात पार्ट आएंगे इसके उसी के बेस पर आप पूरा पूरा क्वेश्चन है सोल्व करोगे, ठीक है। तो चलो सात पार्ट के नाम लिखते हैं हम सबसे पहले। सबसे पहले ए, ठीक है, ये जो वाला पार्ट है, यानी कि ऊपर ऊपर वाला पार्ट, केवल ये ऊपर ऊपर वाला, यानी कि ये केवल इतना इतना वाला पार्ट, ठीक है, केवल इतना इतना, ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट केवल। तो इसका नाम क्या होगा, देखो इसमें ए आ रहा है और बी और सी नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसकी खोपड़ी पर डैश लगा दो, यानी एक मारो, ठीक है, और जो आ रहा है उसको तो मारना ही नहीं भैया। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास में, ए इंटरसेक्शन बी की खोपड़ी के ऊपर डैश और इंटरसेक्शन सी की खोपड़ी के ऊपर डैश। समझ में आ गया ना खोपड़ी का क्या खेल है इसमें, ठीक है। इसके बाद में जो बी जो होगा, पहले इधर तीनों ये लिख लेते हैं मेन मेन, अब बी जो होगा इसको हम कैसे लिखेंगे, बी वाले पार्ट को लिखेंगे, देखो ए की खोपड़ी के ऊपर डैश, क्योंकि ए नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, जो आ रहा है
उसकी खोपड़ी पर ड्रेस नहीं लगाना है, बी ऐसा के साथ आएगा और फिर आपके पास में आएगा इंटरसेक्शन सी, लेकिन सी इसमें आ ही नहीं रहा है तो लगा तो भाई खोपड़ी पर ड्रेस, ठीक है। उसके बाद में ये जो वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट जो है, ये देखो क्या है, ये वाला पार्ट जो होगा इसमें देखो ए नहीं आ रहा और बी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको केवल इतना इतना पार्ट लेना है नीचे वाला पार्ट, ठीक है। ये नीचे वाला जो पार्ट है बस ये लेना है हमको, इसके नीचे वाला पार्ट जो है ये लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए की खोपड़ी पे ड्रेस आएगा, इंटरसेक्शन बी की खोपड़ी पे भी ड्रेस आएगा क्योंकि बी भी नहीं आ रहा है, और इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपके पास में, सी आ जाएगा। ऐसे करके आपके पास में ये तीन बन गए। उसके बाद में देखो ये जो पत्ती बन रही है ऊपर वाली, इसका देखते हैं, सबसे पहले इस पत्ती का देखते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये जो होगा देखो इसमें देखो क्या आ रहा है, इसमें देखो बी और सी तो कॉमन है, इसमें बी और सी तो कॉमन है, केवल इतना इतना पार्ट बता रहा हूं, केवल इतना इतना पार्ट, इसमें देखो बी और सी तो कॉमन है लेकिन इसमें ए नहीं आ रहा है, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है समझ गए, तो ठीक है, यानी ए नहीं आ रहा है तो लगा दो खोपड़ी में डैश, और बी और सी आ रहा है तो बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट की बात करें यदि हम, तो इस वाले पार्ट में देखो ए और सी कॉमन आ रहा है, इसमें ए भी आ रहा है इसमें सी भी आ रहा है, लेकिन इसमें बी नहीं आ रहा है, ये बी वाला पार्ट जो है ये मैंने छोड़ दिया इसमें, तो यानी कि समझ गए आप किसकी खोपड़ी पे लगाना है, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी, नहीं आ रहा है ना भैया, लगा दो खोपड़ी पे डैश और ये आएगा सी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपके पास में हो जाएगा ए और बी दोनों आ रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, सी नहीं आ रहा तो लगा दो खोपड़ी पे डैश, ठीक है, ये आ गई, हो गए। अब एक और बच गया बीच वाला, ठीक है, ये बीच वाला बच गया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो इसमें तीनों कॉमन है, तीनों यानी ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, ठीक है, तो तीनों ही आ रहे हैं इसमें, तीनों ही आ रहे हैं, इसका मतलब आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा आपके पास में। ये सात पार्ट बन गए, ठीक है, सातों के सातों डिसजॉइंट सेट है, ध्यान रखना, ये 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 सातों के सातों डिसजॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से पहले वाली थ्योरम हमने की थी, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से। सबसे पहले इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री फाइनाइट सेट्स देन ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो किसके बराबर आएगा। हमने पहले उसमें ये भी ये किया था इससे पीछे वाले थ्योरम में कि ए यूनियन बी क्या होता है, ये निकाला था, अब हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, यानी तीनों का यूनियन करना है, इसका मतलब जितने भी मैंने डिस्जॉइंट सेट लिखे हैं उन सबका यूनियन कर दो, वही क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा, तो वही कर दो। यहां से देखो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है, यूनियन, फिर क्या आएगा आपके पास में, ये आ गया, अब ये ले लेते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, फिर यूनियन आएगा आपके पास में ये वाला पार्ट, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में ये वाला पार्ट आएगा, यानी ये आ जाएगा यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर यूनियन ये वाला पार्ट, यानी कि ये आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ये वाला पार्ट, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में, यानी कि यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन और सी, और फिर लास्ट में यूनियन आ जाएगा आपके पास में क्या, ये वाला पार्ट, यानी बीच वाला पार्ट आ जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा आपके पास में। आई बात समझ में, इतना कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सम रूल लगाएंगे, लेकिन सम रूल लगाने से पहले आप यहां पर एक चीज लिख देना, मैं आपको बता रहा हूं, जिसे उसमें लिखी थी ना हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, वही चीज लिखनी है। क्या लिखोगे, वेयर ये 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 और ये आर डिसजॉइंट्स, ठीक है, यानी ये जितने भी है आपके पास में ये सेट, ये सारे के सारे क्या, इन सबका नाम लिख देना, वेयर ये 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 और ये
क्या आएंगे, डिसजॉइंट, ठीक है, लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको लिखना है, ठीक है, वो लाइन लिखने के बाद में आपको लिखना है बाई नाउ बाई समरूल। अब हम क्या करेंगे, समरूल लगाएंगे इसमें, ठीक है। और समरूल क्या होता है, इन सब पर क्या लगाएंगे, कार्डिनलिटी लिख देंगे, यानी जितना भी लिखा हुआ है इस पर हम क्या लगा देंगे, कार्डिनलिटी का साइन लगा देंगे। और कार्डिनलिटी का साइन लगाने के बाद में क्या हो जाएगा, जहां पर यूनियन है वहां पर प्लस आ जाएगा। इसका मतलब लिख दो, इसमें लिखना पड़ेगा यार पूरा, चलो लिखते हैं, ए यूनियन बी जाएगी, ये हमने लिख दिया, सब पर समरूल लगा दिया, ये आ गया आपके पास में, ठीक है, कर लोगे, ये इक्वेशन हम वन हो गई, इसको वन नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला है, उसी प्रकार से हम अब ए बी और सी के तीनों के मान निकालेंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए निकालेंगे, ए क्या होगा, देखो ए किसके बराबर होगा, ए में देखो एक तो ये आएगा प्लस एक ये वाला पार्ट, यानी ये आएगा प्लस एक ये वाला पार्ट, यानी ये आएगा, और साथ में प्लस एक बीच वाला पार्ट ये आएगा, ठीक है। तो इन चारों को जोड़ना पड़ेगा, चलो जोड़ते हैं, अभी जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर भी समरूल लगा देंगे, इसी प्रकार से बी और सी भी लिख देंगे, इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैंने ए का ए की कार्डिनलिटी, बी की कार्डिनलिटी और सी की कार्डिनलिटी निकाल ली। अब हमको क्या करना है, ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी प्लस सी की कार्डिनलिटी, मतलब ए की कार्डिनलिटी, बी की और सी की तीनों को जोड़ दो, इनको इक्वेशन नाम दे देना आप। ये आ गया आपके पास में एक दो, और ये आ गया आपके पास में तीन, तीनों को जोड़ेंगे, इधर वाला साफ कर देता हूं मैं, तो तीनों को जोड़ दो, ए की कार्डिनलिटी, बी की कार्डिनलिटी और सी की कार्डिनलिटी, बाई इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी ये फर्स्ट तो ये होगी ना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा आपके पास में, ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी प्लस C की कार्डिनलिटी। तो देखो A की कार्डिनलिटी, B की कार्डिनलिटी और C की कार्डिनलिटी का योग, यानी कि इन सब का जोड़ना पड़ेगा। चलो जोड़ दीजिए, मैं लिख देता हूं, यहां तक समझ में आ गया मैंने क्या किया है, ए का कार्डिनलिटी, बी की कार्डिनलिटी और सी की कार्डिनलिटी तीनों को जोड़ दिया, ये आ गया आपके पास में। अब देखो आगे क्या करना है, ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए, आपको जो इसमें ये चाहिए, साथ में ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए और बाकी वो चाहिए, वो लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम इसमें किसका यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, ध्यान से देखना कि ये जितना भी मैंने लिखा है, एक दो तीन चार पांच छह सात टर्म मैंने लिखे है, ये सात टर्म इसमें है क्या, ये चेक करो, अगर ये सात टर्म इसमें है तो उनकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी लिख देंगे। तो देखो है क्या, सबसे पहले ए बी डेस सी डेस, ए बी डेस सी डेस ये आ गई सबसे पहले टर्म, ये आ गई, ठीक है। उसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेस, यानी कि सी पर डेस लगा हुआ केवल,
ये आ गए आपके पास में, फिर ए और सी पर डैश लगा हुआ है, भाई देखो कहां पर है, ये रहा ए और सी पर डैश लगा हुआ है। उसके बाद में ए पर डैश लगा हुआ है, तो देखो ए पर डैश कहां पर लगा हुआ है, केवल ए पर डैश, ये रहा। उसके बाद में ए पर और बी पर डैश लगा हुआ है, तो ये रहा ए पर बी पर डैश, फिर केवल बी पर डैश लगा हुआ है, तो बी पर डैश से ये रहा, और फिर आपके पास में आ गया ए बी और सी, किसी पर भी डैश नहीं लगा हुआ, तो ये आ गया। ठीक है, तो जो जितने लाइन मैंने यहां पे खींची है, जो जो मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, सात हो गए ना, एक दो तीन चार पांच छह और सात, सात हो गए। इन सातों की जगह पर मैं क्या लिखता हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखता हूं बाई इक्वेशन फर्स्ट। साथ साथ में नोट कर लेना, क्योंकि मिटाना तो पड़ेगा मेरे को, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, बार तारीख बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बोर्ड है बड़ा ले आएंगे, ठीक है, लेकिन तब तक आप पढ़ो इससे। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, चलो लिखते हैं, ये आएगा आपके पास में ए प्लस सॉरी ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी प्लस सी की कार्डिनलिटी बराबर, इसकी जगह इन सब की जगह पर लिख देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी, ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी, फिर प्लस अब जो बच गए ना वो लिख देंगे सारे के सारे। ठीक है, चलो लिखते हैं, देखो सबसे पहले क्या बचाया है, सबसे पहले बचाया ये ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी बचाया, ठीक है, और इसके साथ में बचाया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो लिख दो प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, उसके बाद में प्लस फिर क्या बचा आपके पास में, ये बचा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, और इसके साथ में प्लस क्या बचा है, ये बचा है, ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर आपके पास में ये बचा है, यानी कि प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये बच गया, और बस इतना ही बचा आपके पास में, जो बचा मैंने लिख दिया। अब देखो यहां से आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा, जैसे थोड़ा सा समझ लोगे आप, आपका काम कंप्लीट, समझ गए ना, तो मैं इधर वाला मिटा देता हूं एक बात के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मैंने ये डायग्राम भी बना दिया, साफ भी कर दिया, ठीक है, ये डायग्राम मैंने बना लिया है, अब देखो इसके थ्रू हम इसको कर लेंगे, कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा समझना है, चिन्ना सा मतलब थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझ लोगे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो क्या समझना है, यहां पर देखो ध्यान से देखना, यहां पर एक तो देखो ये है आपके पास में, और इसके साथ में एक ये है आपके पास में, है ना, ये प्लस ये, ध्यान से देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी कहां पर है, ये देखो कहां पर है, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, कहां पर है, ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है, और फिर आगे क्या है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कहां पर है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं इस वाले पार्ट को और प्लस ये वाला पार्ट यदि मैं जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखो ये पूरा मिल रहा है, यानी ये क्या है आपके पास में, ये है ए और बी, ए और सी का इंटरसेक्शन, ये जो आपके पास में मिला है ये क्या है, ए और सी का इंटरसेक्शन है, इसका मतलब इसकी जगह और इसकी जगह पर मैं क्या लिखता हूं, ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं, चलो लिखते हैं साथ साथ में, लिख लेते हैं ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी प्लस सी की कार्डिनलिटी बराबर, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, और प्लस इसकी और इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा ए इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी, ए और सी की कार्डिनलिटी, ठीक है। इसी प्रकार प्लस आपके पास में क्या आएगा, देखो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश कहां पर है, ये रहा, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट, और उसमें जोड़ना आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी छोटे वाला पार्ट, यानी पूरा ये बन रहा है, समझ में आ रहा है, पूरा ये बन रहा है, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन बन रहा है, बन रहा है ए और बी का इंटरसेक्शन, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं, ठीक है। इसी प्रकार से देखो आपके पास में ये भी हो गया, अब ये बच गया है अकेला, ये ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, कहां पर है, ये रहा ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यदि इसमें भी मैं ये जो बीच वाला पार्ट जोड़ दूंगा तो पूरा क्या बन जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा,
लेकिन इसमें है ही नहीं है हमारे पास में क्या, बीच वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को जोड़ लिया और एक बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को मैंने घटा दिया, ऐसे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, पूरे की जगह पर, और लास्ट में यह बच गया तो इसको लिख दो माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया आपका, ठीक है। इतना पर आप आराम से कर लोगे। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू, तो यहां से देखो ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू निकालने के लिए इन सबको इधर भेज देंगे, इन सबको इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा आपके पास में, ये बन जाएगा ए, यहां पर लिख रहा हूं ठीक है, ए इंटरसेक्ट सॉरी आपको यूनियन चाहिए ना, ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो बराबर आ जाएगा ये तीनों के तीनों लिख दो, यानी कि ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी प्लस सी की कार्डिनलिटी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये तीन मान आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी और ए बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को इधर लेके आ जाएंगे, तीनों को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं क्रम से लिख रहा हूं सही से ठीक है, और माइनस बी इंटरसेक्शन सी और माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में देखो ये जो बच गया ना ये माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस आ जाएगा आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यही आपको लेकर आना था ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, और यही आपको दिखाना था। आशा करता हूं पूरा समझ में आया होगा। दोनों थ्योरम में सेम क्या लग रही है आपकी, सेम तरीका लग रहा है दोनों थ्योरम में ठीक है, तो क्या करना है आपको दोनों को अच्छे से समझना है, अगर पहली वाली अच्छे से समझ में आ जाएगी तो दूसरी को करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैंने आपको अच्छे से समझा के बता दिए, पूरा अच्छे से समझा के बता दिए, अगर एक बार आपने वीडियो पूरा अच्छे से देखा है तो आपको आराम से समझ में आ गई होगी, तो फिर भी नहीं आई है तो एक बार फिर से देख लेना, या फिर आपने जो भी नोट किए हैं उसमें से आप फिर से पढ़ लेना, वीडियो दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है, आप फिर से पढ़ लेना उस नोट्स में से, बहुत काफी है ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम ठीक है, और उसमें भी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज पढ़े हैं इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।